लोगों का सेंटर ऑफ मास का बी सी डी ई उन वक्त था, किसी को कोई डाउट है उसमें? तो बी सी डी ही डिस्कस करेगा, ये नहीं हो पाया। क्या क्या हुआ? डी तक हो पाया है दोनों पार्ट का। ई ई नहीं हो पाया। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना सर, ये मेरा बची गया पूरा। अरे यार ऐसे कैसे होगा, बताओ शांतनु। ठीक है चलो। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। हेलो, हाँ डिस्कशन था ना बीसीडी। बाकी वो सुशांतनु और रुद्रा बोल रहे कि नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है सर, चलेगा। मैंने लास्ट क्लास में ये होमवर्क दिया था, होप सो तुम लोगों ने ये तो ट्राई किया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, एक पॉइंट मास आ रहा है। सर एक डाउट था, पॉइंट मतलब मास इस क्वेश्चन में इसी जैसा क्वेश्चन है, कोई एक चीज पूछनी। जैसे ये दोनों ब्लॉक और स्प्रिंग है बीच में, ठीक क्वेश्चन डिस्कस कर ले, दो क्वेश्चन डिस्कस कर उसके बाद पूछ लेना। है सर, चलिए। तो ये दोनों ब्लॉक रुके हुए थे, पॉइंट मास u वेलोसिटी से आ रहा है, इसको हिट कर रहा है, हिट करके बस कैसे चिपक जा रहा है। अब चिपकने के बाद ये तीनों के तीनों साथ में मूव करेंगे, तो इस पूरे को सिस्टम मानेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा, तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम किसके पास था? सिर्फ इसके पास था, वो भी एम यू। कोलिजन के बाद सब एक साथ मूव करेंगे तीनों के तीनों मास, तो तीनों के पास मोमेंटम होगा 3 mv। यहां से हमारा v आ जाएगा u/3, तो कोलिजन के बाद इनका जो वेलोसिटी आएगा वो u/3 आ जाएगा। नेक्स्ट है इंपल्स ऑफ नॉर्मल ऑन ए निकालना है। ये किसी का आंसर आया? क्या आएगा इसका आंसर? -2 mu/3। ये चलो तुम्हारा आया -2 mu/3, और किस डायरेक्शन में आया? सो नेगेटिव है ना, दिया पीछे ही होगा ना। तो अब आंसर ये होगा कि लेफ्ट की तरफ कितना है, यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ होगा। लेफ्ट की तरफ मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, और माइनस साइन उसका डायरेक्शन इंडिकेट है, जो कि लेफ्ट की तरफ है, तो उसको मैं अलग से बता देता हूं। कैसे आया? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से आया। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है कि इस सिस्टम में नेट जो भी इंपल्स लग रहा है वो इसका चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। इस सिस्टम में सिर्फ एक इंपल्स लग रहा है नॉर्मल का, तो जो इस सिस्टम में जो नॉर्मल का इंपल्स होगा वो इसका चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। इसका फाइनल मोमेंटम है एम इंटू वी, वी है u/3, माइनस इनिशियल मोमेंटम है एम इंटू यू, इससे इंपल्स ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -2 mu/3। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया इसका मतलब ये इंपल्स लेफ्ट में आया और इसका मैग्नीट्यूड तो 2 mu/3 है। नेक्स्ट हमें निकालना है इंपल्स ऑफ नॉर्मल ऑन बी, ये कितना आएगा? 2 mu/3।
टू एम यू बाई थ्री आएगा, किस डायरेक्शन में? टू एम यू बाई थ्री तो ये भी आया राइट, ये राइट। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इम्पल्स होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी, तो जो नॉर्मल ए पे लग रहा है और जो बी पे लग रहा है उसी में न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और टाइम भी दोनों के लिए सेम है, तो जो नॉर्मल का इम्पल्स बी पे आएगा और जो ए पे आएगा वो सेम होगा। नेक्स्ट निकालना है इम्पल्स ऑफ टेंशन ऑन सी, सी पे टेंशन का इम्पल्स कितना है? एम यू बाई थ्री राइट। सी पे टेंशन का इम्पल्स निकालना है तो सी को सिस्टम मानेंगे, इस पे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा देंगे, इसमें सिर्फ टेंशन का इम्पल्स आ रहा है, कोई इम्पल्स नहीं आ रहा है, तो जो टेंशन का इम्पल्स होगा इस पे वो इसका चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। इसका फाइनल मोमेंटम है एम इंटू यू बाई थ्री, और इनिशियली ये रुका हुआ था तो टेंशन का इम्पल्स आ जाएगा एम यू बाई थ्री, ऑब्वियसली राइट डायरेक्शन में आएगा। और नेक्स्ट इम्पल्स ऑफ टेंशन ऑन बी, अब ए जो टेंशन लगेगा बी पे भी उतना ही टेंशन लगेगा, यानी सी पे जो लग रहा है बी पे भी उतना ही लग रहा है, सी पे जो टेंशन लगेगा बी पे भी उतना ही टेंशन लगेगा, टाइम भी सेम है तो इम्पल्स भी सेम आएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो टेंशन का बी पे इम्पल्स यही आएगा, बस अब लेफ्ट डायरेक्शन आएगा। किसी को कोई भी चीज डाउट है पूछ लो। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिशन। कोलिशन वर्ड का मतलब तुम लोगों को पता होगा, होगा उसका टेक्निकल मतलब थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन ये है, कोलिशन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें इंपल्सिव फोर्स लगता है बहुत छोटे टाइम के लिए, उसके वजह से क्या होता है कि उनका वेलोसिटी सडनली चेंज होता है, बिना इंपल्सिव फोर्स के कभी भी वेलोसिटी सडनली चेंज नहीं हो सकता है,
वेलोसिटी अगर अचानक से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी मतलब अभी 2 है और अचानक से 3 हो रहा है बहुत कम टाइम में, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में 3 हो रहा है, बिना इम्पल्सिव फोर्स के ये चीज नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखना, जब भी वेलोसिटी सडनली चेंज होता है इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में, इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होता है, और जब भी इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है उसको हम कोलिजन कहेंगे। सर एक मिनट। कोलिजन में क्या होता है, सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है, जनरली मैं हमेशा नहीं होता बट जनरली कोलिजन में सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। टोटल मोमेंटम कंजर्व है तो सिस्टम के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, एक का मोमेंटम दूसरे के पास चला जाता है, दूसरे का इसके पास, बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनरली कोलिजन में सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, तो टोटल मोमेंटम तो सिस्टम का वही होगा, बस उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन ऑफ इंपैक्ट, जिसको शॉर्ट में LOI बोलते हैं हम। जब कोलिजन होता है तो जो जहाँ पे टच करते हैं ना, तो वहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसको लाइन ऑफ इंपैक्ट कहते हैं। जब कोलिजन होता है तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे टच करते हैं वहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं। अब कोलाइड हो रहे हैं तो कौन, जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां पे जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, जहां पे टच कर रहे हैं वहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उस लाइन को कहेंगे हम लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहे हैं
ये दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको कहते हैं हम लाइन ऑफ इंपैक्ट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, हो गया तो बोल देना। हाँ सर, हो गया। अब कोली ये कॉपी कर लो, कॉपी हो गया तो बता देना। कोलिजन दो तरह का होता है, एक होता है हेड ऑन, दूसरा होता है ऑब्लिक। ये सब तुम लोगों ने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि जो पार्टिकल कोलाइड करते हैं ना उनके वेलोसिटीज अलोंग एलओ आई होते हैं, और ऑब्लिक में एलओ आई के अलोंग नहीं होते हैं, एलओ आई से कुछ एंगल बनाते हैं। हेड ऑन में वेलोसिटीज अलोंग एलओ आई होते हैं, ऑब्लिक में नहीं होते हैं। तो ये वाला कोलिजन कौन सा है, हेड ऑन है कि ऑब्लिक है? हेड ऑन, हेड ऑन है। ठीक है, ये वाला कोलिजन हेड ऑन कोलिजन है। ये वाला सो वेलोसिटी का डायरेक्शन, हाँ तो पहले भी तो मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं दिया था, तुम लोगों ने कैसे हेड ऑन बोल दिया?
बिना वेलोसिटी देखे हेड ऑन ऑब्लिक नहीं बोल सकते, स्ट्रेट लाइन है टेढ़ा लाइन है तो हेड ऑन ऑब्लिक होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी ऐसे है ना तो ये कौन सा कोलिजन है, तो हेड ऑन होगा, हेड ऑन। और वेलोसिटी अगर ऐसे है तो ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक। और यहाँ पे भी हेड ऑन है कि ऑब्लिक है हम लोग नहीं बता सकते। अगर ये सीधा सीधे नीचे आके हिट कर रहा है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो फिर ये हेड ऑन है कि ऑब्लिक है, ऑब्लिक है, ऑब्लिक। और ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो ऐसे आके इसको हिट कर रहा है, तो फिर ये हेड ऑन है, हेड ऑन। तो मैं सीधा नीचे लेके आता हूँ तो ये ऑब्लिक हो जाएगा। तो हेड ऑन ऑब्लिक सिंपल है, वेलोसिटी अगर एलओ आई के अलोंग है तो हेड ऑन है, वेलोसिटी एलओ आई से एंगल बना रहा है तो ऑब्लिक है। हाँ सर, अब हम लोग सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन नहीं पढ़ेंगे, फिर हॉट हेड ऑन कोलिजन खत्म होने के बाद ऑब्लिक पढ़ेंगे। अब हम लोग कोलिजन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास वेलोसिटी u1 है, इसके पास वेलोसिटी u2 है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन होगा, u1 u2 पे डिपेंड करेगा। अगर u1 u2 से बड़ा है तो होगा, तो होगा। अभी जस्ट होगा कि थोड़े टाइम बाद होगा, थोड़े टाइम बाद ही होगा। Obviously, थोड़े टाइम बाद होगा। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये दोनों आके जस्ट यहाँ पे टच करेंगे, तो जैसे टच किया कोलिजन हो गया क्या? अब कोलिजन स्टार्ट होगा, अब कोलिजन स्टार्ट होगा। तो ये जो फिगर है, ये फिगर है जस्ट बिफोर कोलिजन का, ये जो फिगर बना है ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, मतलब अब कोलिजन स्टार्ट होगा। अब ये इन्होंने टच किया, ये जस्ट अब कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम लोग अचानक से बहुत आगे नहीं पहुंच जाएंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा टाइम आगे बढ़ेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे कि नहीं? हाँ सर। अच्छे से समझना है, सब लोग सुनो, अच्छे से समझो। ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इस नॉर्मल की वजह से u1 का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज, u1 डिक्रीज होगा, और u1 डिक्रीज होगा। हां, u1 q2 का वैल्यू इंक्रीज होगा। और फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की वजह से दोनों का शेप ऐसे थोड़ा डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म, थोड़ा डिफॉर्म होगा, थोड़ा सा डिफॉर्म हो।
अब ये वेलोसिटी u1 रहेगा कि u1 से कम होगा? u1 से थोड़ा कम होगा। सिमिलरली ये वेलोसिटी u2 से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अभी भी ये वेलोसिटी बड़ा है। अब ये अभी भी ये वेलोसिटी बड़ा है तो ये पास में आएंगे कि नहीं? हाँ सर। तो और शेप डिफॉर्म होगा? हाँ सर। u1 u1 डैश अभी भी कम होगा? हाँ। u2 डैश अभी भी बढ़ेगा? हाँ सर। ऐसा कब तक होते रहेगा कि ये कम होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है और डिफॉर्मेशन होते जा रहा है? जब तक दोनों का वेलोसिटी सेम ना हो। जब तक दोनों का वेलोसिटी सेम ना हो जाए तो उसमें ये वेलोसिटी, जब तक दोनों का वेलोसिटी सेम ना हो जाएगा ना, तब तक ये वेलोसिटी तो कम होते जाएगा, ये वेलोसिटी बढ़ते जाएगा और शेप डिफॉर्म होते जाएगा। ठीक है, चलो तो तब तक शेप डिफॉर्म हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गए और ये अभी भी डिफॉर्म्ड है, अभी भी डिफॉर्म्ड है तो अभी भी फोर्स लग रहा है कि नहीं? हाँ सर। अभी भी एक दूसरे पे नॉर्मल लगा रहा है। अब ये नॉर्मल की वजह से ये वी और डिक्रीज होगा कि नहीं? अब नहीं होगा। नहीं सर, अभी डिक्रीज नहीं होगा। अरे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी सेम इतना ही रहेगा कि डिक्रीज होगा? होगा सर डिक्रीज। फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी तो अभी भी डिक्रीज होगा। ये वेलोसिटी अभी इंक्रीज होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी किसका जा रहा है, ए का जा रहा है कि बी का जा रहा है? बी का। अब ये दोनों पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं। तो अब शेप डिफॉर्म होगा कि वापस से रिफॉर्म होगा? रिफॉर्म। अब शेप रिफॉर्म होना स्टार्ट होगा। अब ये थोड़ा सा दूर जाएंगे, अब शेप रिफॉर्म होगा, थोड़ा सा वापस से अपना पुराना शेप रिगेन करेगा और ऐसे होते रहेंगे, होते रहेंगे शेप, मतलब दूर जाएंगे रिफॉर्म होते रहेंगे जब तक ये जस्ट कॉन्टेक्ट लूज ना कर दे, जस्ट कॉन्टेक्ट लूज ना कर दे। जैसे ही कांटेक्ट लूज कर देगा उसके बाद एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। हाँ, तो फिर अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। उस समय वेलोसिटी कुछ मान लेता है कि इसका वेलोसिटी वी वन है और इसका वेलोसिटी वी टू है। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन, जैसे ही कांटेक्ट लूज हुआ कोलिजन होने के बाद उसका फिगर है। यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हुआ के रिफॉर्म हुआ? रिफॉर्म। और यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट रिफॉर्म। तो यहां पे तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां पे ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन सबसे क्या है? डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है, यहां पे मैक्सिमम डिफॉर्म्ड है ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिफॉर्म्ड कब रहेगा? जब दोनों का वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छे से समझ के याद रखना पड़ेगा। एक बार देख लो, रिवाइज कर लो कॉपी। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ लिखना है तो जगह छोड़ना। हाँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कॉपी कर लो। Yeah.
हो गया अब ना। हाँ सर। अब जब ऑब्जेक्ट ना अपना शेप डिफॉर्म करता है तो थोड़ा सा आइडिया होगा कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग जब नेचुरल एनर्जी रहता है तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होता, बट स्प्रिंग का शेप को डिफॉर्म करो, कंप्रेस करो, एलोंगेट करो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। जब भी ऑब्जेक्ट अपना शेप डिफॉर्म करता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और मान ली अभी एक बार एज्यूम करते कि इस कोलिजन में कोई फ्रिक्शन उक्शन नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो इसका टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगा कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कॉन्स्टेंट रहेगा। और टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज, डिक्रीज पड़ेगा। ठीक है, यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जा रहा है, जितना ज्यादा डिफॉर्म होगा उसके पास उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होगा, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा। यहाँ पे ये वापस अपना शेप रिगेन कर रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, अब वापस से अपना नेचुरल शेप रिगेन कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज के डिक्रीज? डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, कोई फ्रिक्शन विक्शन तो लग नहीं रहा है, तो टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज। अब हमें ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट होता है परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट, और कुछ ऑब्जेक्ट होता है जो कि इनइलास्टिक होता है। नाम से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, तुम लोग रिपीटर बैच के हो। इलास्टिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अगर वो कोई ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब वापस आवाज नहीं आ रहा, डिफॉर्म में हो रहा है, डिफॉर्मेशन मतलब पूरा पूरा शेप वापस से रिजन कर लेगा, डेल्टा डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन सेम हो। अगर ऑब्जेक्ट परफेक्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट है तो ये अपना पूरा का पूरा शेप रिगेन कर लेगा, और पूरा शेप रिगेन कर लेगा तो यहाँ पे इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा क्या? नहीं सर। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी सेम हो कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक है तो? सेम है सर। और टोटल एनर्जी तो ऐसा सेम है क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब टोटल एनर्जी भी सेम है, पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का क्या होगा? सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा सर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में कोलिशन के जस्ट पहले का और कोलिशन के जस्ट बाद का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सेम 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 होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के जस्ट पहले का और कोलिजन के जस्ट बाद का काइनेटिक एनर्जी सेम। एक चीज ध्यान रखना, जस्ट बिफोर कोलिजन को हम लोग इनिशियली भी कहते हैं, इनिशियली मतलब कोलिजन के जस्ट पहले, और जस्ट आफ्टर कोलिजन को हम लोग फाइनली कहते हैं, फाइनली मतलब कोलिजन के जस्ट बाद। तो कभी भी कोलिजन में मैं इनिशियल और फाइनल बोलूंगा, इनिशियल मतलब कोलिजन के जस्ट पहले, फाइनल मतलब कोलिजन के जस्ट बाद।
से वो वाला पार्ट फिर से बताना कि इनिशियली और फाइनली इक्वल कैसे हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक है ना तो ये अपना नेचुरल शेप पूरा रिगेन कर लेगा, और जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर अपना नेचुरल शेप में रहेगा ना तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होता है, तो ये ऑब्जेक्ट में भी कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट में कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा, यहाँ से यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी तो ऐसे कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, अब तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ सर, तो परफेक्ट कोलिजन में यहाँ का और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। एक चीज ध्यान रखना, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में हर जगह का काइनेटिक एनर्जी सेम होता है क्या? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हर जगह का काइनेटिक एनर्जी सेम होता है क्या? ड्यूरिंग द कोलिजन सेम नहीं रहेगा। लाउडली बोलो ना। नहीं सर, सेम नहीं रहेगा। ध्यान रखना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हर जगह का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है, क्योंकि डिफॉर्म तो होता है, डिफॉर्म होता है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, पहले पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, फिर कम होता है, और फिर लास्ट में जीरो हो जाता है, तो इनिशियल और फाइनल सेम होता है, बीच के सेम नहीं होते। तो ध्यान रखना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होते हैं, बीच के सेम नहीं होते। तो ऐसे बोल सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा? हाँ सर। ऐसे नहीं बोल सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज कंजर्व हो रहा है, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, और सिर्फ इनिशियल और फाइनल सेम है। इनिशियल और फाइनल सेम उनसे कंजर्व नहीं होता, कंजर्व का मतलब होता है हमेशा सेम है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, लेकिन इनिशियल और फाइनल सेम होता है। अच्छे से सब कुछ समझ लो, जो जो मैंने पॉइंट्स बोला है, जिनके क्वेश्चंस करने में ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो, अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा मैं यहाँ पे। किसी को कुछ डाउट है? अब अगर कोलिजन, अगर ऑब्जेक्ट परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट है, परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि एक बार शेप डिफॉर्म हुआ ना वो वापस से रिगेन करता है क्या अपना शेप? नहीं सर। अगर नहीं, अगर ऑब्जेक्ट परफेक्टली इनइलास्टिक है ना तो उसका शेप डिफॉर्म कर लो, उसके बाद वो थोड़ा भी रिगेन नहीं करेगा, रिगेन करेगा ही नहीं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट का शेप डिफॉर्म करेगा, उसके बाद वो रिगेन नहीं करेगा, रिगेन नहीं करेगा, तो आफ्टर कोलिजन उनका वो कैसे मूव करेंगे? क्या
स्टार्ट में मूव करेंगे, शेप रिगेन करेंगे, वो लोग अपना शेप डिफॉर्म करके फिर ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे तो कैसे मूव करेंगे, साथ में मूव करेंगे। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ना दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और साथ में मूव करते हैं, उनका वेलोसिटी सेम होता है, वो रिगेन करता ही नहीं है शेप, थोड़ा भी नहीं रिगेन करता। तो ये याद रखना कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है और दोनों ऑब्जेक्ट साथ में ही मूव करते हैं। फिर एक तरह एक और तरह का ऑब्जेक्ट होता है, वो इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है। एक तो परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट हो गया, एक परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट हो गया, और एक है इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट। इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या करता है कि डिफॉर्म होने के बाद शेप रिगेन तो करता है, मैक्सिमम डिफॉर्म होने के बाद शेप रिगेन तो करता है, बट वो अपना पूरा ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करता है। अब वो पूरा ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करता है तो फिर थोड़ा सा डिफॉर्म रह जाता है। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। तो अगर भले कोलिजन इलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो या फिर इनइलास्टिक हो, अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है सिस्टम पे, अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है सिस्टम पे, तो सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व रहेगा, कंजर्व होगा। कौन से कोलिजन में टोटल एनर्जी कंजर्व होता है? परफेक्टली इलास्टिक में, परफेक्टली इनइलास्टिक में, कि इनइलास्टिक में, कि तीनों में हो सकता है? इनइलास्टिक में होगा। हाँ, मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो एनर्जी तो कंजर्व होगा ही। अच्छा, फ्रिक्शन लग रहा है तो नहीं होगा, नहीं फ्रिक्शन अगर नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, अलग अलग क्वेश्चन में देखेंगे हम। तीनों सेम होता है। तो कोई सा भी कोलिजन हो जाए, अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो जस्ट बिफोर, मतलब एनर्जी कंजर्व है कि नहीं, एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्व होगा कि नहीं? होगा सर, एनर्जी तो कंजर्व होगा ना फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब अगर इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, भले कोई सा भी कोलिजन हो जाए, अगर इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं? होगा सर। हाँ सर होगा। तो कोई सा भी कोलिजन हो जाए, कोई सा भी कोलिजन हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है? नहीं सर, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जस्ट बिफोर का और जस्ट आफ्टर का काइनेटिक एनर्जी सेम होते हैं? हाँ सर। बाकी के दो कोलिजन में जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर के काइनेटिक एनर्जी सेम होते हैं? नहीं सर, उसमें नहीं होते। ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। अब एक चीज और याद रखना कि
कोलिजन में हमेशा एक इंपल्सिव फोर्स लगता है, कोलिजन हो रहा है तो इंपल्सिव फोर्स तो लगना ही पड़ेगा, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स लगने से ही कोलिजन बोलते हैं। वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। और जब भी इंपल्सिव फोर्स लगता है तो हम लोग नॉन इंपल्सिव फोर्स को क्या कर देते हैं? जब भी इंपल्सिव फोर्स लगता है तो उस समय नॉन इंपल्सिव फोर्स को क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। तो कोलिजन में तो इंपल्सिव फोर्स लगता ही है, तो जब भी कोलिजन हो रहा होगा उस समय हम लोग नॉन इंपल्सिव फोर्स को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग इसको फॉलो नहीं करते हो, फॉलो करना। कोलिजन हो रहा है तो नॉन इंपल्सिव फोर्स को निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब देखेंगे भी नहीं। जैसे कि एमजी स्प्रिंग फोर्स, ये सारे फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे भी नहीं, क्योंकि नेग्लेक्ट हो चुका है। तो एमबीडी में मैं पूछूंगा इस पे क्या फोर्स लग रहा है कोलिजन के दौरान, तो मत बोलना एमजी लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सब तो नेग्लेक्ट हो गया, नॉन इम्पल्सिव है। और मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर दो बॉल है और ये आके कोलाइड हो रहे हैं, ग्राउंड स्मूथ है, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है वो इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव है? कैसे, फिर से बताना। ये ग्राउंड है, इस दोनों के ऊपर बॉल रखे हुए या कि कोलाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है वो इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव है? इंपल्सिव। लेकिन इस पूरे को सिस्टम मानूंगा तो ये जो नॉर्मल है ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल। नॉर्मल का इंपल्स देखोगे ना, इंपल्सिव फोर्स का इंपल्स होता है, नॉर्मल का इंपल्स इसके ऊपर राइट की तरफ लगेगा और इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ लगेगा, और एनडीटी लगेगा, एनडीटी लगेगा। तो इस पूरे सिस्टम में नेट इंपल्स कितना आएगा नॉर्मल का? जीरो है। लेकिन मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो इस पे नॉर्मल का इंपल्स आएगा कि नहीं? आएगा। और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इसमें जो इंपल्स होगा और इसमें जो इंपल्स होगा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल, अलग अलग होगा, बस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, मैग्नीट्यूड सेम है। न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्स सेम होगा, टाइम तो ऐसे ही सेम है, तो फोर्स इनटू टाइम इंपल्स होता है तो इंपल्स भी सेम होगा। तो यहां से लेके यहां तक के बीच में एक ऑब्जेक्ट पे जो इंपल्स लगता है ना उसको हम कहते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, एक ऑब्जेक्ट पे। हाँ, क्योंकि पूरे सिस्टम में तो कोई इंपल्स नहीं लग रहा है, नेट इंपल्स है जो सिस्टम में, पर एक ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है उसको हम कहते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट में जो इंपल्स लग रहा है उसको कहेंगे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अच्छे से समझ के याद रखना, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या है। मैं यहां पे मैं लिखूंगा, लिख नहीं रहा हूं मैं, बट फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का वैल्यू निकालना है तो वो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से आ जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊंगा तो इस पे जो नेट इंपल्स है वो सिर्फ नॉर्मल का आ रहा है,
तो नेट इंपल्स विल बी इक्वल टू इसका चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम जो कि यहां पे होगा माइनस इनिशियल मोमेंटम. ये कॉपी नहीं करना है, ये सिर्फ देख लो एक बार. इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन मैंने कैसे निकाला. इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालना है तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जो इंपल्स लग रहा है वो है. इस ऑब्जेक्ट पे जो भी इंपल्स लग रहा है सिर्फ एक ही फोर्स का लग रहा है नॉर्मल का. तो इसका जो नेट इंपल्स होगा नॉर्मल का वो इसका चेंज इन मोमेंटम होगा. इसका चेंज इन मोमेंटम मतलब इसका फाइनल मोमेंटम माइनस इसका इनिशियल मोमेंटम. ये इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन आ जाएगा. लिखना मत, ये यहां पे कॉपी मत करना, सिर्फ देख लो. अब नेक्स्ट टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है उसका बेसिक कंसेप्ट है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. अब मैं अगर इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन यहां से यहां तक लिखूंगा तो अभी मैंने बताया था वो होगा एम टू बी टू माइनस एम टू इंटू वी. और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन लिखूंगा तो वो होगा एम टू इंटू वी माइनस एम टू इंटू यू टू. तो ये आ जाएगा वी टू माइनस वी अपॉन वी माइनस यू टू. अब यहाँ पे ना मोमेंटम कंजर्व करेंगे और वी का वैल्यू निकालेंगे, वी टू का वैल्यू निकालेंगे और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा वी टू माइनस वी वन अपॉन यू टू माइ यू वन माइनस यू टू आ जाएगा. ये सब तुम लोग मत याद रखो, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो, ये भी रहने दो. इसे बता रहा हूं कैसे ऐसा होगा. E का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये होता है. ये एक और चीज बन जाता है सॉल्व करने पे, वही वी टू माइनस वी वन. वी टू माइनस वी वन जो है वो है वेलोसिटी. एक चीज और, यहां पे आफ्टर कोलिजन ये दो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं कि सेपरेट हो रहे हैं. सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं. और बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन ये दोनों अप्रोच हो रहे हैं. अप्रोच हो रहे सर, अप्रोच कर रहे हैं सर. हाँ, तो E जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इफेक्ट divided by velocity of approach along line of impact. इसको शॉर्ट में हम लोग VSEP by V approach लेते हैं. तो E का जो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला वो ये होता है E is equal to VSEP by V approach. तो यहां से आ जाएगा VSEP is equal to E times V approach. ये line of impact के along हम लोग हमेशा E का यही फॉर्मूला यूज करते हैं. इसमें VSEP याद रखना. VSEP क्या है? कोलिजन के जस्ट बाद का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. और वी अप्रोच क्या है? कोलिजन के जस्ट पहले का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो भी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग पर.
अब ना अगर कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक हो रहा है, कोलिजन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक हो रहा है तो ये थोड़ा भी रिफॉर्म नहीं होगा, थोड़ा भी रिफॉर्म नहीं होगा तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन का वैल्यू कितना है? जीरो आएगा। अब इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन का वैल्यू जीरो को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ई का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का ई जीरो होता है। अब अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो जितना डिफॉर्म होगा ये उतना ही रिफॉर्म हो जाएगा। तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन का वैल्यू क्या होगा? सेम आ जाएगा, इक्वल। दोनों इक्वल हो जाएगा तो ई का वैल्यू, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगी, तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। और इलास्टिक कोलिजन का ई, इन इलास्टिक कोलिजन का ई जीरो से वन के बीच में होता है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक का जीरो होता है, परफेक्टली इलास्टिक का वन होता है, और इन इलास्टिक का जीरो से वन के बीच में कुछ होता है। सर ई का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। अच्छे से सब कुछ समझ लो, कोलिजन का ये सब बेसिक चीजें हैं। कोलिजन में क्या क्या होता है, कोलिजन ई क्या होता है, ई किसके लिए कितना होता है, ई का बेसिक फॉर्मूला क्या है, और बस ये सभी क्वेश्चन में सब आएगा हमारा। हेड ऑन कोलिजन का, ये भी हेड ऑन कोलिजन नहीं था, वापस से मैं हेडिंग लिख रहा हूं हेड ऑन कोलिजन। तो ये ग्राउंड है, इसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इनका मास m1 m2 है। ये वाला जो वेलोसिटी है ना, ये कब का वेलोसिटी है? बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर, बिफोर कोलिजन का नहीं है, जस्ट बिफोर कोलिजन का वेलोसिटी, जस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोलिजन के बाद इन दोनों का वेलोसिटी कुछ होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मैं तो इसी डायरेक्शन में अज्यूम कर लेता हूं। अगर इसके आप
अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अपनी आप नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ये एक तरह का क्वेश्चन है, इसमें कितने अननोन है? चार। नहीं, चार अननोन नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन का क्वेश्चन कभी तो किया हो इसमें, तो पता होगा ना कितने अननोन है। V1 V2। हाँ, सिर्फ V1 V2 अननोन है। ये सब क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि दो ऑब्जेक्ट है, मास इतना इतना है, कोलिजन के जस्ट पहले इनका वेलोसिटी इतना इतना है, ये सब पता है। सिर्फ V1 V2 अननोन है। अब सिर्फ V1 V2 अननोन है तो दो अननोन है, दो अननोन है तो दो इक्वेशन, दो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा हमें। कंसेप्ट हमेशा कोलिजन में दो क्या लगता है, एक तो वो लगता है कि जनरली सिस्टम में एक्स डायरेक्शन मतलब LOI के अलोंग फोर्स जीरो होता है जनरली। अब सिस्टम में LOI के अलोंग अगर नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का? कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व होगा, इसका मतलब जस्ट कोलिजन का मोमेंटम और जस्ट आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम को हम इक्वल कर देंगे। और ये कोलिजन कोई सब भी हो सकता है, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने दे रखा है ई है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है मैंने दे रखा है, तो एक और कंसेप्ट लगा सकते हैं, वो ये वाला वी सेप इज इक्वल टू ई टाइम्स वी अप्रोच। वी सेप का मतलब velocity of separation, velocity of separation along line of impact। हाँ, velocity of separation वो before वाला कि after वाला? Just after collision। Just after collision। After। और after में ये separate हो रहे हैं, तो कौन बड़ा होगा? V2 बड़ा होगा कि V1 बड़ा होगा? V2। V2 बड़ा होगा। तो Vsep कितना होगा? V2 माइनस V1 के V1 माइनस V2? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E टाइम्स V अप्रोच। V अप्रोच मतलब कोलिजन के पहले का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये अप्रोच हो रहा है तो ऑब्वियसली U1 बड़ा है, तो V अप्रोच क्या होगा? U2 माइनस U1 के U1 माइनस U2। ये दोनों इक्वेशन है, इसमें दो अननोन है, सॉल्व करेंगे तो दोनों अननोन का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व तुम लोग लेना खुद से, मैं वैल्यू लिख देता हूं। V2 इतना आएगा, क्या किया?
मैंने इस दोनों को सॉल्व किया, बस साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। वो कैसे सॉल्व किया मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैंने इस इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे इक्वेशन को m2 से m1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं m1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो सब जगह m1 का टर्म आ जाएगा, और फिर मैं जब ऐड करूंगा तो ये m1 v1 और ये m1 v1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा डायरेक्ट वी टू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई किया, m2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सब जगह m2 का टर्म आ जाएगा, फिर इस दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये m2 v2 कैंसिल हो जाएगा तो v1 आ जाएगा। तो सिमिलरली सॉल्व करना बचपन से सीखते हैं, उतना तो आता ही होगा हमें। मैंने कुछ नहीं किया, दो ऑब्जेक्ट है, उनका कोलिजन के पहले का वेलोसिटी भी यू वन यू टू है, और कोलिजन कोई सा भी हो सकता है, इलास्टिक इन इलास्टिक परफेक्ट इलास्टिक, अलग अलग कोलिजन के अकॉर्डिंग का अलग अलग वैल्यू डाल देंगे। ये सब हमें पता था, हमने क्या निकाला सिर्फ जस्ट आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी। और ये कौन से कोलिजन का आया, इलास्टिक कोलिजन में का आया कि इन इलास्टिक है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है कि तीनों का आ गया? जनरल जनरल है ना, ये तीनों का आ गया। हाँ, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है क्या? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैं तो इसे वैसे करके दिखा रहा था। नेक्स्ट टाइम कोई भी कोलिजन आएगा तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग जनरल दो कंसेप्ट लगाएंगे, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक ई वाला, और ये दोनों कंसेप्ट का इक्वेशन लिखेंगे और ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो अपने आप आंसर आएगा। इसको मत याद रखना, ये दो कंसेप्ट लगाना और ये दोनों कंसेप्ट को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, अपने आप आंसर आएगा। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है तो क्या होगा? तो अभी हमने ये वेलोसिटी निकाला था, इसमें दोनों का मास सेम है, मतलब m1 और m2 इक्वल है, तो m1 और m2 इक्वल दोनों को mm लिख देते हैं क्योंकि मास तो सेम है। सब mm है तो ऊपर का m और नीचे का m कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1 और 1 बचेगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे भी सारे मास कैंसिल जाएंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 बचेगा, और इलास्टिक कोलिजन है तो e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करो मतलब कुछ नहीं है तो e भी हट जाएगा। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है हमारा u1 प्लस u2 प्लस ये वाला ब्रैकेट वाला टर्म जो कि है u1 माइनस u2, और नीचे 2 आ रहा है, u1 भी कैंसिल हो जाए, नहीं u2 कैंसिल हो जाएगा, तो u1 प्लस u1 2 u1 हो जाएगा, नीचे का 2 से कैंसिल तो ये u1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे करोगे, यहाँ पे u1 कैंसिल हो रहा है तो ये आ रहा है u2, मतलब v2 किसके इक्वल आ रहा है u1 के,
और v1 किसके इक्वल आ रहा है u2 के। v2 u1 के इक्वल आ रहा है मतलब ये वेलोसिटी यहां आ जाएगा और ये वेलोसिटी यहां आ जाएगा, मतलब इन दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएंगे एक्सचेंज। अब अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत हेवी है जैसे कि M1 मान लो बहुत हेवी है, अब M1 बहुत हेवी है तो फिर M2 वाला टर्म को यहां पे हम लोग क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे तो ये चला गया। ये देखो यहां पे भी M2 का टर्म है तो ये भी बहुत छोटा होगा तो ये भी चला गया, यहां पे भी M2 का टर्म है ये भी बहुत छोटा होगा तो ये भी चला गया, तो ऊपर M1 U1 बचा नीचे M1 बचा तो M1 कैंसिल हो जाएगा तो V1 किसके इक्वल आ जाएगा U1 के। U1 तो v1 u1 के इक्वल आ गया और v2 निकालेंगे तो फिर से m1 हैवी है तो m2 वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ऊपर भी m1 है m1 और नीचे भी m1 है तो m1 का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा और एक ये बचेगा तो v2 कितना आ जाएगा u1 प्लस e टाइम्स u1 माइनस u2। V2 आ जाएगा U1 plus E times U1 minus U2। इस पे हेवी कौन था, वन था कि टू था? टू था। ये देखो यहां लिखा हुआ है। हाँ सब वन था और वन हेवी है तो आफ्टर कोलिजन वन का जो वेलोसिटी है वो उतना ही है जो बिफोर कोलिजन जो वन का वेलोसिटी था, मतलब हेवी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या चेंज होता है कि नहीं? नहीं सर नहीं होता। हेवी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। कॉपी कर लो, कॉपी हो गया तो बोलो और कुछ किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
तो जब भी कोलिजन होगा ना तो हम लोग उस समय नॉन इंपल्सिव फोर्स मतलब एमजे स्प्रिंग फोर्स ये सबको क्या कर देंगे निकले कर देंगे मतलब तुम लोग याद रखना देखना भी तो बाद में मत बोलना सर यहाँ तो एमजे लग रहा है आप मोमेंटम कैसे कंजर्व कर रहे हो और एमजे को तो नेग्लेक्ट कर दिया तो नॉन इंपल्सिव फोर्स को देखना भी मत कोलिजन के समय सिर्फ इंपल्सिव फोर्स ढूंढना कहाँ इंपल्सिव फोर्स है नॉन इंपल्सिव फोर्स को देखना भी मत क्योंकि उसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे हम और जब भी कोलिजन होगा तो हम लोग दो कंसेप्ट लगाएंगे जनरली दो कंसेप्ट लगाएंगे एक कंसेप्ट क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन अपने मन से हमेशा मत लगा देना मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ तब लगाना सिस्टम में अलोंग LOI देखना जनरली मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग LOI लगाते हैं तो अलग अगर अलोंग LOI नेट फोर्स जीरो है तो अलोंग LOI मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते तो हमेशा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम होता है और दूसरा कंसेप्ट क्या लगाएंगे हम ई वाला ठीक है वो तो हमेशा लगता है ऑलमोस्ट हाँ वी सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वी अप्रोच जनरली ये दो कंसेप्ट लगा के दो इक्वेशन बनाते हैं दो अननोन होता है उसको सॉल्व करते हैं आंसर आ जाता है और फिर एक दो पॉइंट याद रखना है कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है तो जस्ट आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाते हैं एक्सचेंज हो जाता है और अगर एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट और एक बहुत लाइट ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कोलिजन हो रहा है तो हैवी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है और लाइट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस फॉर्मूले से आता है इस फॉर्मूले में तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि वन किसका वेलोसिटी है टू किसका वेलोसिटी है ठीक है और ये जो आंसर है ना हमारा एग्जैक्टली आया है कि अप्रोक्सीमेटली आया है approximately है ध्यान रखना किसी को कोई डाउट है कोलिजन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक हो रहा है तो बहुत सिंपल होगा दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और इन दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा और वेलोसिटी सेम हो जाएगा तो कितने अननोन रहेंगे हमारे पास एक तो डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा क्योंकि एक ही अननोन है ना तो डायरेक्टली सिर्फ एक कंसेप्ट लगाना मोमेंटम कंजर्वेशन उससे आ जाएगा अब और एक पॉइंट और दो चीज ध्यान रखना कि कोलिजन ब्रेक कोई सा भी हो मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या हमेशा नहीं कर सकते हाँ हमेशा नहीं कर सकते बट कर भी सकते हैं कब कर सकते हैं जब नेट फोर्स जीरो है और भले कोई सा भी कोलिजन हो अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा कंजर्व हो जाएगा ठीक है बस आज इतना ही नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा इसको लेकिन अच्छे से रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास तक कोलिजन रिवाइज कर लेना अच्छे से हाँ सर और होमवर्क वही होगा जो इस आज था नेक्स्ट क्लास टू नेक्स्ट वीक होगा अब सर मोस्टली वेडनेसडे को होगा
होमवर्क सेंटर मास का एक्सरसाइज वन का सेक्शन बी से स्टार्ट था ना? हाँ सर, सेक्शन बी सी डी ई होमवर्क है। इसके अलावा कुछ और करोगे तो बोलो।